हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपसे फिर से एक बार बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन, और आप लोगों को जो डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस थे जिनमें डिफरेंस पूछा जाता था वो सब कवर करा दिए थे। अब आपका लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बचता है जो है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन। तो 15-15 नंबर वाले जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हैं वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज केवल वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ढंग से आप लोग देखेंगे। डिस्क्राइब द लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कि कंपनी के निर्माण के संबंध में कौन कौन सी लीगल प्रक्रिया रहती हैं, ज़रूरतें रहती हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। मींस जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर होता है। सिंपल, जब हम कोई कंपनी खोलेंगे तो किन किन बातों को सोचेंगे, वो सारी बातें आप सोच के लिख सकते हो। जैसे एक प्रमोटर होगा, वो कंपनी का नाम सोचेगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, कंपनी की क्या लिमिट्स होंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू वगैरह करने के बारे में सोचेगा अगर पब्लिक कंपनी है तो। वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में बात ऐसे भी, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रमोटर क्या होता है और प्रमोटर के फंक्शन बताइए। तो प्रमोटर वो आदमी होता है जो कंपनी को लीगल ढांचे में एग्जिस्ट कराता है, यानी कि वो आदमी जो कंपनी को रजिस्टर्ड कराता है, कंपनी की इनिशियल स्टेज की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर के क्या क्या फंक्शन होंगे, कंपनी का नाम देखना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, कंपनी का कार्यालय यानी कि जो रजिस्टर ऑफिस है उसके बारे में डिसीजन लेना कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, तो सारे इनिशियल काम प्रमोटर करता है। तो पहले वाले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा लिंक करके हम लिख सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और 4 नंबर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनकॉर्पोरेशन क्या है और उसका फॉर्मेट बना के दिखाएं, तो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि लीगल पोजीशन बताइए प्रमोटर्स की एक कंपनी में क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होती है तब तक सारा काम प्रमोटर्स का होता है, और जैसे ही कंपनी एग्जिस्ट कर जाती है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, तो प्रमोटर को एक तरीके से कंपनी से अलग मान लिया जाता है। तो वो अब कंपनी में कैरी करेगा या नहीं करेगा, कंपनी में रहेगा नहीं रहेगा, ये डिसीजन बोर्ड लेता है। तो उन सब के बारे में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में, वो हमें पढ़ना है। यहाँ से जो अलग क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन अ प्राइवेट कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, कैसे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी, की प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी होती है और क्या प्रिविलेजेस होते हैं इस कंपनी के, ठीक है, और कौन मतलब कौन कौन से फ़ायदे, यानी कि इसकी जगह आप प्रिविलेजेस की जगह एक वर्ड याद कर सकते हो कि कौन कौन से बेनिफिट्स इस कंपनी को मिलते हैं। मतलब कि प्राइवेट कंपनी किन किन बेनिफिट्स को उठाती है इन रिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वो कौन कौन सी होती हैं वो लिख देंगे। जैसे प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर देती है, जबकि पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भी लेना पड़ता है, तो वो सारा आप ढूंढ के आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कंपनी, कंपनी क्या है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्म की जाती है कंपनी एक 2013 के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो बहुत तरीके से रट के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट विल के बारे में, कॉर्पोरेट विल क्या होती है, कर्टन सा होता है मेंबर्स और कंपनी के बीच में, दोनों अलग अलग हैं, ये इसलिए होता है ताकि कोई भी मेंबर अपनी मनमानी ना करे और जो बाहर के लोगों ने पैसा लगा रखा उनका पैसा थोड़ा सा सुरक्षित रहे। सालेमन का एक केस भी यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी से लिंक करने के बाद, ठीक है। डिफाइन अ कंपनी, कंपनी को डिफाइन कीजिए और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताइए। ये भी पेपर अगर सिंपल आता है तो इस क्वेश्चन की वेटेज भी बढ़ जाती है, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के इन तरीकों से भी पूछा जा सकता है, तो एक तरीके आप इनको भी रीड आउट कर लें कि किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किससे रिलेटेड, फॉर्मेशन करने से रिलेटेड, किसको, पब्लिक कंपनी के लिए, तो वो सारी आप बातें यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला है।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ढंग से पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या 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 होता है और इसमें कौन कौन सी क्लोजेज होती हैं। जो 6 क्लोजेज होती हैं इसके कंटेंट्स होते हैं उनको आप ढंग से पढ़ के चलोगे, ठीक है बच्चों। ये इसमें ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं या किन चेंजेस करने के लिए हमें किन किन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है और कब चेंजेस होंगे कब नहीं होंगे और या क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, तो वो सब चीज़ें भी पढ़ के चलो, ठीक है। इसके बाद है अंडरस्टैंड द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, इसको भी ढंग से पढ़ के चलेंगे। डॉक्ट्राइन करना अपने इंडोर मैनेजमेंट की, चेकिंग करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम रूल एंड रेगुलेशन को क्रॉस कर रहे हैं, उनसे ऊपर जाके कोई काम तो नहीं कर रहे। कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करने में किन किन बातों का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस टाइप में एक क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसके अलावा जो मैंने कंपनी लॉ की क्लासेस डाली हैं, अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक कर दूंगा जिसमें मैंने कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है। चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। और आज मैं 2 वीडियो और डालूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की, अगर आपने लॉ का पेपर सेलेक्ट नहीं किया है, कॉस्ट का पेपर सेलेक्ट किया है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी, तो सब्सक्राइब कर लें। और अब वीडियो आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन के लिए ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन बेल को। तो आज वीडियो 2 वीडियो आएंगे और डेली 2 वीडियो कोस्टिंग की भी भेजूंगा, क्योंकि अब टाइम आपका कम रहता है, तो जल्दी से उन क्वेश्चन को याद कर लें, उनसे बाहर नहीं आएगा, जो बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। व्हाट डू मीन बाई शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, इसके वेरियस फॉर्म बताइए, यानी कि टाइप्स ऑफ कैपिटल बताइए, जैसे ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पार्टली कोल्ड अप कैपिटल, पार्टली पेड अप कैपिटल, तो वो सारा कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो सारा डिफाइन कर देंगे। ये भी मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर के रिस्पेक्टिव, तो इसको भी ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर क्या है और शेयर में टाइप्स ऑफ शेयर कौन कौन से होते हैं, तो आप बता दोगे कि 2 तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रीफ्रेंस शेयर, टाइप्स के आप एक्सप्लेन कर दोगे, इक्विटी और प्रीफ्रेंस के क्या क्या राइट्स होते हैं वो आप बता दोगे, लीगल प्रोविजन आप सारे यहाँ पे कि कब कौन से शेयर को हम प्रीमियम पे बेच सकते हैं, डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। जनरली कंपनी एक्ट 2013 ने साफ कर दिया है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर नहीं बेच सकती है, इशू फ्रेश इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता है, हाँ री इशू शेयर डिस्काउंट पर हो सकता है, वो भी उतना जितना हमारे प्रीमियम में पैसा अवेलेबल है या फोरफीचर का प्रीमियम नहीं सॉरी जितना पैसा हमारा फोरफीचर अकाउंट में अवेलेबल है उतना हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं दे पाएंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ कोट कर देंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ शेयर को हम डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, जैसे राइट इशू है हमारा वो अलग अलग शेयर हैं, उनको आप जल्दी से अपनी बुक को देख के यहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के आप आंसर आप सर्च कर ही लेंगे, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है, अलॉटमेंट शेयर के प्रोसीजर बताइए, 12th क्लास की किताब में आपको मिल जाएगा, 12th क्लास की किताब में जाके आप ढूंढ लें अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है या नहीं मिल पा रहा, ठीक है। मेंबर ऑफ कंपनी क्या है, मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर में क्या क्या डिफरेंस होता है बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसके वैरायटी यहाँ लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेते रहें या कैसे भी हो कहीं नोट डाउन कर लें, वो आपके ऊपर है। सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्गेज और चार्ज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से इनको पढ़ लें। डिवेंचर क्या है, सिक्योरिटीज़ जो डिवेंचर्स होते हैं, कितने तरीके के डिवेंचर होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बीच में एक्सप्लेन भी किया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही होता है, इसको भी ढंग से पढ़ लें, ठीक है। और ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मेरे बच्चों बहुत अच्छे से आप पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने वो लिख दिए हैं कि क्या क्या प्रोविज़न होते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, जब हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं तो कौन कौन से प्रोविजन्स और होते हैं, उनकी पेमेंट करते हैं तो उनको जो रेमुनरेशन, उनकी जो पेमेंट उसको रेमुनरेशन कहते हैं, तो रेमुनरेशन हम कितना दे सकते हैं, तो रूल है कि पार्ट टाइम है तो 3%, 1%, फुल टाइम है तो 5%, 1 से ज़्यादा है तो इतना परसेंट, मैक्सिमम 11%, तो वो एक पूरा चार्ट है, उसको आप तरीके से प्रॉपर लर्न करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा मीटिंग्स क्या क्या है, कितने टाइप्स की मीटिंग होती हैं और मीटिंग में कौन कौन से प्रोविज़न है जो हमें याद रखना पड़ता है, तो जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी कर लें, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कंपनी लॉ का हमने पूरा कवर कर दिया है, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कवर करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल जितना भी कवर कर पाएंगे, तो जब तक के लिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं वॉचिंग करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करो, सब्सक्राइब किया करो ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना